अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी हो चुकी है 12 नवंबर 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे क्या बीएड के बच्चों को अगले सुपर टेट में मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि दोस्तों अभी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें बीएड को बाहर करो केस भी चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे क्या डीएलएड बीटीसी के छात्रों को टीजीटी पीजीटी में मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें 40,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द टीजीटी पीजीटी के लिए 40,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो एक सवाल तो यह खड़ा होने वाला है, क्या इसमें डीएलएड और बीटीसी के जो छात्र हैं वो आवेदन कर पाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा हो रहा है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ये सवाल क्यों उठ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले आपके डीएलएड के छात्रों ने भी काफी आंदोलन किया इसके लिए कि हमें भी टीजीटी पीजीटी में मौका मिलना चाहिए। और जैसे कि बीएड के बच्चों को मौका मिला दोस्तों, आपको पता है कि वो प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं, तो वैसे ही डीएलएड के छात्रों ने भी कहा कि हमें भी टीजीटी पीजीटी में बराबर मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल या अगला दोस्तों क्या अपडेट आ रही है, यूपी टेट 2019 के लिए अब तक 5.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, एक अच्छी खबर आ रही है। उसके बाद यूपी टेट 2019 टेट पर पीएनपी सचिव का निर्देश, कहा अंतिम तिथि का ना करें इंतजार, आवेदन के बाद फाइनल प्रिंट 20 नवंबर तक अवश्य निकाल लें अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही कह रहे हैं कि हमने भी आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों, लास्ट टाइम में काफी बच्चे बैठे होंगे कि हम अंतिम दिन पर ही हम अपना आवेदन करेंगे, तो दोस्तों बच्चे परेशान भी होते हैं और साइट भी डाउन हो जाती है। तो आपको अगर आवेदन करना है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, डीएलएड और बीटीसी स्क्रूटनी का रिजल्ट हो चुका है जारी। ठीक है दोस्तों, तो सारी बड़ी अपडेट्स आज आ चुकी हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिएगा अगर आप डीएलएड या बीएड के छात्र हों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे क्या बीएड के बच्चों को अगले सुपर टेट में मौका मिलेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, इस बार 69,000 जो शिक्षक भर्ती समय करेंट में चल रही है, अगर आपको पता होगा 69,000 के बारे में, तो 69,000 में हो क्या रहा है, हम बताते हैं आपको कि 69,000 में दोस्तों मामला ये आकर फंसा है बीएड के छात्रों के साथ कि सरकार ने जो नियम और कानून बनाए, फाइनल जो दोस्तों सबमिशन हुआ है वो आपके शिक्षक भर्ती के बाद का हुआ, मतलब विज्ञप्ति जारी होने के बाद का हुआ, इसीलिए दोस्तों ये मामला आकर फंस रहा है। लेकिन फिलहाल हम बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड के बच्चे बाहर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। होता है ना दोस्तों, कभी कभी जब फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे 4 लाख अगर ऑनलाइन आवेदन हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो 4 लाख में से दोस्तों समझ लीजिए कम से कम नहीं तो 2.5 लाख बच्चों की संख्या बीएड के छात्रों की है और बाकी के शिक्षा मित्र और बीटीसी के छात्र हैं। तो यार इनको कहाँ से बात करेंगे। अब बात होगी कि क्या अगले सुपर टेट में इनको मौका मिलेगा या नहीं। अब तो दोस्तों बात रही 69,000 से तो ये बाहर होंगे नहीं, अब फिर दोस्तों ये बात आएगी ना कि अगले सुपर टेट में इनको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है यस, डेफिनेटली यस, क्योंकि दोस्तों अब तो पूरा एनसीटी के द्वारा सब नियम और कानून बन चुके हैं, आप तो दोस्तों इनको कोई बाहर कर ही नहीं सकता, ये लीगल तौर पर अगला सुपर टेट दे सकते हैं। काफी बच्चों में कंफ्यूजन आ रही थी कि क्या वो अब प्राइमरी के टीचर बन पाएंगे कि सिर्फ अपना टीजीटी पीजीटी ही देखेंगे। जी नहीं दोस्तों, वो प्राइमरी की शिक्षा के साथ साथ टीजीटी पीजीटी में भी सम्मिलित हो पाएंगे, तो मतलब बीएड के पास डबल अपॉर्चुनिटीज है कि वो कहीं से भी नौकरी अपनी ले सकते हैं। अब बात होगी दोस्तों कि क्या डीएलएड बीटीसी के छात्रों को भी टीजीटी पीजीटी में मौका मिलेगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, नहीं, नो है, क्योंकि दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी नियम और कानून में संशोधन नहीं किया गया जिससे कि डीएलएड के छात्रों को भी मौका मिल सके टीजीटी पीजीटी में। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है और जो लगभग 2021 तक कम्प्लीट होगी। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती काफी स्लो आ ही रही है, जिसको बताइए 2019 में जारी होने वाला था विज्ञप्ति, 2021 तक कन्फर्म होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले से ही कितना शुरू मतलब ढीला रवैया है इसमें, क्योंकि कोई भी शिक्षक भर्ती दोस्तों आती है तो लगभग 1 से 2 महीने में पूरी होती है। पहले तो दोस्तों कोर्ट केस में फंस जाते, अगर कोर्ट केस में ना फंसती ना 69,000 शिक्षक भर्ती, तो दोस्तों इसका डेडलाइन फरवरी 2019 ही था। अब तक सभी बच्चे नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं 69,000 के, लेकिन कोर्ट केस में सारी भर्तियाँ फंस जाती हैं, तो उसके कारण से दोस्तों थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अब दोस्तों पहले देखते हैं आज के अपडेट्स क्या निकल कर आए पेपर में और फिर बात करेंगे। देखिए यूपी टेट के लिए अब तक 5.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2019 के लिए अब तक करीब 5.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। 11 दिन में पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया काफी धीमी रही है, अंतिम तारीख के पहले
इसमें तेजी आ सकती है। इस पर परीक्षा संस्था ने दावेदारों से कहा है कि अंतिम तारीख बढ़ेगी नहीं, इसलिए यह तय समय में प्रक्रिया पूरी कर ले, अन्यथा अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि सोमवार शाम 7 बजे तक 4,32,813 पंजीकरण हो चुके हैं, जबकि 3,60,621 अभ्यर्थी ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। वहीं प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के लिए 205,32,697 पंजीकरण हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों को मिलाकर 5.5 लाख है। और दोस्तों देखिए, बच्चे काफ़ी स्लो कर रहे हैं इस बार, ऐसा नहीं होता दोस्तों। यूपी टेट में वैसे आवेदन लगभग 15 लाख से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन छात्र काफ़ी ये सोच रहे होंगे कि यार अभी डेट पड़ेगी दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ पर बात साफ साफ लिखी है, इस बात को दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से ध्यान देना है, ठीक है ना, कि इस पर परीक्षा संस्था ने दावेदारों से कहा है कि अंतिम तारीख बढ़ेगी नहीं। आपने देखा होगा अधिकतर लास्ट जो डेट होती है वो एक्सटेंड कर दी जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, अगर कहा गया है तो दोस्तों बढ़ाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कि कुछ बच्चे बढ़ जाएंगे तो उनको कुछ फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों इनको देखिए तय तारीख 22 दिसंबर को इनको पेपर भी कराना है, तो मतलब ज़्यादा डेट अगर बढ़ाएंगे तो फिर पेपर की डेट भी डिले हो सकती है। तो दोस्तों सब कुछ देखा जाएगा। तो फिलहाल आपकी अंतिम जो तारीख है वो बढ़ेगी नहीं, तो इस बात को आप अपने दोस्तों को बता दीजिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो कर लीजिए, अन्यथा मत करिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पहले अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा यहीं से, कि जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि लास्ट तारीख जो है वो बढ़ेगी नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों एक और अपडेट निकल कर आए, BTC और DLED स्क्रूटनी का परिणाम हो चुका है जारी। लेकिन सचिव परीक्षा नियामक अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन प्राधिकारी ने BTC 2013-14 किया था, इसमें 120 परिणाम 2015 एवं DLED 2017 का यथावत रहा, जबकि 14 परीक्षार्थियों की सेमेस्टर परीक्षाओं की स्क्रूटनी का परिणाम संशोधित किया गया, परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सोमवार को ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी समिति की बैठक में BTC 2013 चतुर्थ सेमेस्टर, BTC तृतीय सेमेस्टर 2014, BTC चतुर्थ सेमेस्टर 2014 के स्क्रूटनी के परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, परीक्षा परिणाम यथावत रहा। BTC तृतीय सेमेस्टर 2015 के 135, चतुर्थ सेमेस्टर 2015 के इतने इतने बच्चों के दोस्तों ये रहा। लेकिन देखिए लास्ट में बता दें, जबकि 694 के परिणाम में बदलाव के बाद 289 बच्चे पास हो गए। दोस्तों देखिए परिणाम में बदलाव तो हुआ होगा, जैसे यहाँ पर जो बात कही गई इसको समझना आपको, कि 694 बच्चों के परिणाम में चेंजेस हुए, मतलब हो सकता है दोस्तों कि कुछ बच्चों के नंबर 9 रहे, 9 से 10 नंबर हो गए, लेकिन दोस्तों जो 12 नंबर या पासिंग मार्क तक जो बच्चे पहुँचे वो 2, 7, 9, ठीक है, तो इतने बच्चों के लिए कुछ खबरी आई। तो दोस्तों देखिए यूपी टेट के लिए पुलिस ने आवेदन कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ प्राइमरी का बताया जा रहा है, उसके बाद अपर प्राइमरी दोस्तों सब कुछ है ना, तो फाइनल आवेदन की बात दोस्तों की गई। देखिए बोला गया ना यहाँ पर, हमने बताया था अभी, जबकि 3,60,621 अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से आवेदन किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आपके 40,000 पर जो पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली, उसमें होगा क्या और किन बच्चों को मौका मिल पाएगा, फिर BEd के सभी छात्रों को मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक सवाल खड़ा होता है कि इनमें कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों साफ साफ इसका यही रूल होने वाला है, जो बच्चे BEd पास आउट कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने BEd क्लियर कर लिया है, अगर आप अभी BEd के अंतिम ईयर में भी हैं दोस्तों, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। देखिए कोई भी शिक्षक भर्ती आने का उद्देश्य ये होता है कि आप DLED का कोर्स या BEd का कोर्स कंप्लीट कर बैठे हो, ठीक है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो दोस्तों, या कोई भी आने वाले टाइम में कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी, तो सिर्फ वही बच्चे आवेदन कर पाएंगे जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं अपना DLED का कोर्स या BEd का कोर्स। अब ये नहीं कहा जाएगा कि आप अगर आपके एक में बैक है तो हम आवेदन कर पाएंगे, यानी सिर्फ एक में बैक है, क्योंकि दोस्तों होगा क्या ना, जब आप तुम लोग अपने उसमें नंबर डाल देते हैं, जैसे आपसे बोला जाएगा DLED में कितने परसेंटेज आ रहे हैं, आप बोल देंगे भाई मेरे 70% ओवरऑल आ रहा है या BEd में, लेकिन दोस्तों जब उस एक सब्जेक्ट का परिणाम चेंज होगा ना, तो हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट है 70.1% हो जाए, ठीक है, कुछ बढ़ सकता है ना, तो वहीं से दोस्तों दिक्कतें पैदा होती हैं। और उसमें साफ साफ जब आप आवेदन करेंगे तो वहाँ ये साफ साफ लिखा होता है कि आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते, जैसे कि आपका दोस्तों UPTET 2019 का रूल है कि आप इसमें संशोधन का अवसर आपको नहीं दिया गया UPTET 2019 में, वैसे दोस्तों वहाँ पर भी कोई भी संशोधन का अवसर आपको नहीं मिलता, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तब आप बाहर हो जाएंगे। मान लेते हैं कि आप कैसे ना कैसे आप नौकरी भी पा लिए चोरी छुपे, लेकिन दोस्तों जब आप नौकरी पा लेते हो तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है, जो कि सब कुछ ऑनलाइन है आज के डेट में, ठीक है, तो दोस्तों उस समय आपका वेरिफिकेशन निरस्त कर दिया जाएगा,
अथवा उस समय आपकी नौकरी चली गई। तो हम नहीं जाएंगे दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल भाई होता है ना कि अंतिम चरण में आके आपको नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़े या छूट जाए कि आपका एक सेमेस्टर में मतलब एक पेपर में पैक था या कोई और कारण हुआ। तो दोस्तों जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो तब तक आपको फिलहाल अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हाँ अपनी रुचि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पेपर कैसा आता है सब कुछ। तो दोस्तों देखिए इस पर जल्दी भर्ती होगी शिक्षक भर्ती, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। काफी बार दोस्तों उम्मीद हो रही है, देखिए इसमें काफी जांच चल रही है कि कितने पद खाली हैं, एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पा रहा है रियलिटी में दोस्तों, इसलिए 40,000 पदों पर शिक्षक भर्ती में देरी हो रही है। आपने दोस्तों देखा होगा कि ये जो शिक्षक भर्ती थी अक्टूबर में ही प्रस्तावित थी, तो मतलब अक्टूबर तक इसका जो विज्ञप्ति था वो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों सवाल देखिए खड़े होने लाजमी है। तो बीएड के बच्चों को तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा था, बीएड के बच्चों को सुपर टेट में मौका मिलेगा या नहीं, इसको आंसर यस था दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुके हैं। तो हाँ इन बच्चों को आने वाले टाइम में भी सुपर टेट का मौका मिलेगा, और जो बच्चे डीएलएड और बीटीसी के छात्र उनको टीजीटी पीजीटी में मौका नहीं मिल पाएगा तो उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी नहीं है, थोड़े से बच्चे सैड हो सकते हैं, क्योंकि यार 40,000 पदों पर एक बड़ी शिक्षक भर्ती थी, अगर बच्चों को मौका मिलता तो हो सकता था कुछ ना कुछ पोस्ट डीएलएड के हाथ में भी लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों यार जब इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती आए और आपको मौका ना मिले तो कितना दुख होता है। और दोस्तों आप देखेंगे अगर जो प्राइमरी लेवल पर दोस्तों अगर 100 वैकेंसी भी आएगी ना कल को, तो दोस्तों उसमें बीएड के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, प्लस डीएलएड के तो करेंगे इनके तो भाई वो है ही है। लेकिन दोस्तों जब आप सोचिए 40,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है जल्दी, तो उसमें डीएलएड के छात्रों को मौका दिया ही नहीं जा रहा, कम से कम यार डीएलएड के 2-4 बच्चे नौकरी पा जाते हैं तो वो खुश रहते हैं कि चलो हमें नौकरी मिल गई। देखिए दोस्तों बात काबिलियत की करें कंपटीशन की करें तो अगर इन बच्चों को मौका मिलेगा तो ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड के बच्चों को मौका मिलना चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना लाइक करके अपना सपोर्ट दें दोस्तों, क्योंकि देखिए डीएलएड के जब छात्रों को मौका मिलेगा तो वहाँ का भी कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अभी क्या है कि टीजीटी पीजीटी का जो कंपटीशन होता है बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ सिर्फ बीएड के बच्चे होते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर आपके डीएलएड के लाखों छात्र आ जाएंगे तो वहाँ का जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि जो सुपर टेट दोस्तों 2020 में होने वाला है या हो सकता है प्रस्तावित है, तो दोस्तों वहाँ का जो कंपटीशन होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि लगभग 8 से 10 लाख बच्चे उसमें आवेदन करेंगे। तो दोस्तों सोचिए जहाँ कभी डीएलएड में 1 से 2 लाख बच्चे आवेदन करते थे, आज 8 से 10 लाख, मतलब कंपटीशन तो बहुत ज़बरदस्त होगा, सीटें दोस्तों कम होती जाएंगी, मतलब अब इतनी बड़ी वैकेंसी तो देखने को मिलेगी नहीं जो आपने देखा 69,000 या 68,500, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी आई थी 69,000 या 68,500 ये सब ये शिक्षा मित्रों का समायोजन था, ठीक है, शिक्षा मित्र ये इनका समायोजन कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों जो वैकेंसी बचेंगी सिर्फ उतने पदों पर ही नौकरी आएंगी, ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों जो ये बीएड में टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है 40,000 पदों की, तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी अब तक की इतिहास में बीएड के। तो उसके बाद दोस्तों मतलब ये क्या था कि और भी वैकेंसी दोस्तों आती नहीं, ऐसी बात नहीं 72,000 वाली आई इससे पहले, लेकिन दोस्तों ये कुछ अलग वैकेंसी हैं तो बच्चे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अभी तो दोस्तों देखिए बच्चे सब तैयारी में जुट चुके हैं कि और हम आपको बता दें, लेकिन डीएलएड के छात्रों को अगर दोस्तों कोई मौका मिलता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे।